जा रहा था उधर, अंदर जो केबल डाला था वो केबल फटेला था किधर। मैं 3:30 बजे मालूम पड़ गया, पानी में समझ में नहीं आया, चल के उसको शौक करंट लगा के जगह भी खत्म हो गया। मैं उधर गया तो उधर से बॉडी उठा के पुलिस स्टेशन में। ये जो मौत हुई है बहुत दर्दनाक मौत है और कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। 4-5 बच्चे हैं उसके। टोरेंट ने सबको कनेक्शन दिया है, कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला एक आदमी था। सब जिम्मेदारी टोरेंट की है। क्या टोरेंट पावर सप्लाई करने आई है या लोगों की जान लेने के लिए आई है? प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। उत्तर शिव गोटे घर में रविवार 23 अगस्त को बिजली की करंट लगने से गणेश पाटिल, जिसकी उम्र 40 से 45 बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह से लाश जो है पड़ी हुई है बीच रास्ते पर। करंट लगने के बाद जो है वो सीधा रोड पर ही गिर गए और उनकी जो है चारों तरफ पानी है, अब बीच में लाश है। फिलहाल जानकारी मिलने के बाद जो है टोरेंट पावर के कर्मचारी और जो है पुलिस अधिकारी जो है वहाँ पर मौके पर पहुँचे, लाश को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोटे घर के रास्ते की अगर बात करें तो जगह जगह खड्डे हैं और इन्हीं खड्डों की वजह से उस रास्ते पर पानी भरा हुआ है। उसी रास्ते से कुछ दूरी पर एक कंपनी है, उस कंपनी में टोरेंट का पावर गया हुआ है। कल दोपहर 2 बजे के करीब गणेश पाटिल किसी से मिलने के लिए वहाँ उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन एक तरफ रास्ते में पानी भरा हुआ था और दूसरी तरफ केबल गया हुआ था और यही वजह है कि पानी में करंट उतरा हुआ था, जिसके कारण मृतक गणेश पाटिल की करंट लगने से मौत हो गई। लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि अधिकारी जो है वहां पहुंचे, डायघर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, बाद में शव को पंचनामा किया। और अब सवाल यह है कि क्या टोरेंट पावर के चपेट में आने से मौत हुई है या अन्य वजह है, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि टोरेंट पावर का केबल गया हुआ है और उसी के वजह से गणेश पाटिल की मौत हो गई है। अब इस मामले को लेकर आज डायघर दत्त मंदिर में दोपहर 3 बजे गांव वालों ने मीटिंग किया। आखिर टोरेंट की लापरवाही कब तक ऐसी चलती रहेगी, कब तक इसी तरह से लोगों की जानें जाती रहेंगी? हमने परिवार वालों से भी बात किया है, उन्होंने क्या कहा है हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले सिलफाटा के परिसर में एक महिला की मौत हुई थी, जहां उत्तर भारतीय महासंघ के करीम खान, उनकी टीम ने उस परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिलाया। टोरेंट पावर को लेकर डायघर गांव के रहवासियों में बेहद गुस्सा है। अब मृतक गणेश पाटिल के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए मांग किया जा रहा है। उस गरीब परिवार जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, उन बच्चे जो मासूम हैं, जिनके सर पे पिता का साया भी छिन गया हो, और घर में कमाने वाला गणेश पाटिल ही था जिसकी करंट लगने से मौत हो गई। इन्हीं मामलों को लेकर आज डायघर में मीटिंग हुई, जिसमें बाबूराव मुंडे, उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, नगर सेवक बाबा जी पाटिल, एडवोकेट कबीर चौधरी व गांव के लोग जो है भारी तादाद में इकट्ठा हुए थे इस मीटिंग में, कि आखिर जो है इस परिवार को, जो गरीब परिवार है, उसको न्याय मिले, इसको मुआवजा मिले। आपको कब पता चला कि मतलब कि उनकी डेथ हो गई है और कैसे मतलब मालूम पड़ा आपको? मैं 3:30 बजे मालूम पड़ा। कौन बताया? ये हमारा गाँव का। अच्छा, तो मतलब बताया गया मतलब आपको जो है 3:30 बजे, फिर आप वहाँ पे गए? हाँ। उसका नाम है गणेश बालकृष्ण पाटिल, जा रहा था उधर, अंदर जो केबल डाला था वो केबल फटेला था किधर, तो पानी में समझ में नहीं आया, चल के उसको करंट लगा के जगह भी खत्म हो गए। वो रहते कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे? वो रहते हैं अपने डायर गाँव में, गाँव देवी मंदिर के पास। जा रहा था उधर, किसको खेती पे जा रहा था उधर, आगे के मित्र उसको फैमिली था, को मिलने के लिए गया था, वो दोस्त को मिलने के लिए जा रहा था वो। अच्छा, दोस्त को मिलने के लिए जा रहे थे। अभी क्या मांग है आपकी? जो कुछ इसका प्रोशन का 3-4 लड़के, बड़ी एक छोटा लड़का है, फैमिली उसका कुछ काम धंधा नहीं, कुछ और अकेले कमाने वाले था वो, उनके पास खाली जो भी रोजी चलता था उसको बड़ी चलता था उसका। आप उनके कौन हैं? मैं उसका सूरज भाई है इसका। अच्छा, सूरज भाई है, तो मतलब मांग आपकी यही है मतलब कि जो है मांग के उसको कुछ ना उसका मिलना चाहिए, उसका परिवार को कुछ करने का, तो आगे कुछ उसका कमाने वाला कोई नहीं। हमको सिर्फ यहाँ सामने जो दिख रही है टोरेंट कंपनी दिख रही है, क्योंकि ये जो भी सप्लाई जा रही है, जहाँ भी जा रही है, अभी पिछले 6 महीने से टोरेंट यहाँ एक्टिवेट है। टोरेंट ने सबको कनेक्शन दिया है और सब जिम्मेदारी टोरेंट की है। अभी ये करंट कहीं से भी गया हो, कहीं गोडाउन से गया हो या कहीं से भी गया हो, तो हमारा यहाँ पर गांव की तरफ से यही कहना है कि ये सप्लाई आपकी टोरेंट की है और ये आपकी जवाबदारी बनती है कि बारिश में कोई केबल खुली पड़े नहीं पड़े। आपकी केबल की जो सुरक्षितता है, जो केयर करना है, वो आपको टोरेंट को करना है। ये टोरेंट इनकी नुकसान भरपाई भर के दे, अन्यथा हम बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरुआत करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। करीम भाई, कल एक हादसा हुआ जो है टोरेंट को लेकर, एक बार फिर। इसके पहले आपने जो है आपके उत्तर भारतीय महासंघ ने जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाई, 4 लाख रुपए मुआवजा दिलाए। अब यहाँ पर जो है जो गांव में हुआ है, जो हादसा हुआ है, उसको लेकर आप किस तरह से मतलब आगे आएंगे, किस तरह से इनकी मदद करेंगे? मैं तो हर वक्त इनके साथ हूँ। ये जो मौत हुई है बहुत दर्दनाक मौत है और मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्या टोरेंट पावर सप्लाई करने आई है या लोगों की जान लेने के लिए आई है। इसका बहुत कड़ा विरोध है, हमारा भी, उत्तर भारतीय संघ का भी और आगरी समाज का भी, और आयुष जो इनकी एक ग्रुप बनी हुई है आगरी समाज की, सभी का बहुत कड़ा विरोध है। इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम परिवार के साथ हैं। बहुत दर्दनाक हादसा है ये। परिवार में 4-5 बच्चे हैं उसके, और एक बच्ची की मैंने अभी सुना कि एक बच्ची की शादी थी कुछ महीने के बाद। अब कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ अकेला एक आदमी था, जो टोरेंट की लापरवाही से उसकी भी जान चले गई। अब आगे देखते हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि टोरेंट चला ही जाए यहाँ से तो बेहतर है, क्योंकि जान लेने आई है गुजरात से, खाली लोगों की जान लेने के लिए आई है। मेडिकल ग्राउंड पे जो डॉक्यूमेंट्स इनको म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल से मिला है उसमें लिखा हुआ है कॉज ऑफ डेथ इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक। देखिए, टोरेंट से यही सवाल है कि यहाँ जान लेने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या लोगों की? अभी कल ही एक कंपनसेशन मिला है, फिर एक आदमी की जान जाती है। ये सीधा सीधा गुना दाखिल होना चाहिए। इनका जो PRO है, यहाँ का जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर है, उसको अरेस्ट होना चाहिए। जब तक इनके ऊपर गुना दाखिल नहीं होगा, इनका कोई ऑफिसर अरेस्ट नहीं होगा, तब तक ये लाइटली लेंगे।